स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 7 का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है कलर्स ऑफ नेचर, ठीक है। आज का हम लोग फोर्थ वीडियो देखेंगे और इसके लिए हम लोग आपकी अपने अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बाय डियर एंड पिक्स दैट ईट देम व्हेन दे फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो फ्लावर्स को वो खा जाते हैं, कौन? तो डियर और पिग्स, ठीक है, जब वो पेड़ पर से नीचे गिरते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि लेटर इन द ईयर, यानी कि साल जब ख़त्म होने वाला होता है या ईयर के सेकेंड पार्ट में, लास्ट पार्ट में, द सैमुअल फ्लावर्स विल गिव वे टू लार्ज वुडी सीड पॉट्स। जो सैमुअल जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, उनकी जगह पर लार्ज वुडी सीड पॉट्स दिखाई देने लगते हैं और वो लार्ज वुडी सीड पॉट्स आ जाते हैं। तो लार्ज सीड पॉट्स का मतलब क्या हो गया? लार्ज मतलब बड़ा, वुडी मतलब लकड़ी का, और सीड पॉट्स मतलब ट्री का वो पार्ट जहाँ पर उसके सीड होते हैं, ठीक है। तो वो दिखाई देने लगते हैं फ्लावर की जगह पर। व्हेन द हॉट विंड्स ब्लो इन अप्रैल दिस पॉट्स विल एक्सप्लोड लाइक एंटीक्राफ्ट सेल। तो कहा जा रहा है कि जब गर्म हवा बहती है, ठीक है, जब गर्म हवा बहती है अप्रैल में, तो ये जो सीड पॉट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो पार्ट जहाँ पर सीड्स जिनमें होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, वो फूटने लगते हैं, कैसे? बिल्कुल एंटी एयरक्राफ्ट शेल की तरह, ठीक है। ये पॉट्स जिसमें सीड्स होते हैं वो फटने लगते हैं और अ वाइट क्लाउड ऑफ सिल्क कॉटन ईच सेक्शन कैरिंग अ सीड विल ड्रिफ्ट अवे इन द विंड टू रीजनरेट नेचर्स गार्डन। तो जो सीड पॉट होते हैं वो फट जाते हैं और एक सफ़ेद कलर का बादल के जैसा, है ना, जो सिल्क कॉटन है, ठीक है, सिल्क कॉटन में जो है वो एक सीड होता है और वो हवा में जो है वो सीड उड़ते हुए और वो अलग अलग जगहों पर गिरते हैं और उसी की वजह से प्रकृति जो है अपना गार्डन खुद ही बनाती है, ठीक है। ये नेचर का गार्डन अपने आप प्रकृति में बनता है। सो ऑल सीड्स दैट आर नॉट कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद वाइंड मटेरियल और विद पार्चमेंट सेल और प्रोपेलर्स टू इनेबल द विंड्स ऑफ हेवन टू कैरी देम फ्रॉम इट प्लेस। तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें मुख्य बात ये कही जा रही है कि जितने भी उस फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ होते हैं उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो सीड्स होते हैं वो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स या एनिमल्स के द्वारा ही उसे एक जगह से दूसरी जगह फैलाया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ बर्ड्स या एनिमल्स ही उसको नहीं फैलाते हैं ना, बल्कि उनको फैलाने में किसी और चीज़ का भी हाथ होता है। सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स ही नहीं फैलाते हैं, बल्कि वो दूसरे कारणों के कारण भी, दूसरे मटेरियल्स के कारण भी वो एक बहुत ही विस्तृत जगह पर वो फैल जाते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि देर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस, वन ऑफ विच इज द गोटेल विच बियर्स अ फ्रूट लाइक स्मॉल ग्रीन एप्पल एंड विच नो बर्ड और एनिमल ईट्स। तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, इस फॉरेस्ट में कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है। उन अपवादों में से एक है गोटेल, जिसका फल होता है बिल्कुल एक स्मॉल ग्रीन एप्पल की तरह, जिसका फल होता है, ठीक है, उस फल को कोई भी बर्ड या एनिमल नहीं खाता, ठीक है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं दिस ट्री ग्रो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। ऐसे जो पेड़ होते हैं वो नदियों के किनारे उगते हैं। एंड वाटर डज फॉर इट सीड्स व्हाट बर्ड्स एंड एनिमल एंड विंड डू फॉर द सीड्स। तो ऐसे पेड़ जो कि नदियों के किनारे उगते हैं, इनके बीज कैसे फैलते हैं? इनके बीज बर्ड्स, एनिमल या हवा एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाती है, ठीक है। बर्ड्स, एनिमल्स या हवा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती है, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर विंड के बारे में बात किया जा रहा है ना, कि जो नदी किनारे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि गॉटेल यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जो बीज है उसको बर्ड्स या एनिमल नहीं ले जाती, बल्कि जो काम बर्ड्स और एनिमल्स करते हैं वो काम विंड करती है, ठीक है, यानी कि हवा करती है। वो हवा से ही जो है उसके बीज पूरे जंगल में
इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, चिदरा जाते हैं। सो इसके अलावा एक और भी पेड़ है कोकोनट, अनदर इज द कोकोनट विच इज़ प्रोवाइडेड विथ हस्क। तो कोकोनट में जैसे आपको पता है उसके साथ भूसी भी होती है, हस्क को हिंदी में कहते हैं भूसी, उसके साथ भूसी भी होती है, दैट इनेबल्स इट टू फ्लोट। तो नदी किनारे जो भी कोकोनट होता है वो नदी में, नदी के पानी में गिर जाती है और वो नदी के पानी में फ्लोट करने लगती है, यानी कि तैरने लगती है, और बी कैरिड बाई द ओशन वेव्स, और उसको समुद्री लहरों के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उसको पानी में तैरता हुआ वो चला जाता है, ठीक है, फ्रॉम शोर टू शोर, यानी कि एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक। शोर का मतलब होता है किनारा, एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक वो जो है वो नदियों की जो वेव्स हैं, ओशन वेव्स, समुद्र की धारा उसे ले जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था ये चैप्टर, ठीक है, कलर्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर ये उसका लास्ट पार्ट ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब ये जो नीचे जो वर्ड बैंक दिया हुआ है, ठीक है, इसमें वर्ड बैंक और मीनिंग भी दिया हुआ है, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कुल वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग्स का लिखवाऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।